चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला और मेरे साथ मौजूद हैं रबिया अहमद जी। तो आज हम यहां पर मौजूद हैं इमेजिन कप 2020 कंपटीशन के लिए एक दफा फिर से। लास्ट टाइम आपने यहां पर लाइव आपने देखा था इमेजिन कप 2019 एंड टुडे वी आर हेयर फॉर लास्ट रीजनल फाइनल। और बताते चलो अपने व्यूवर्स को कि ये जो आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 का कंपटीशन इज अ ग्लोबल कंपटीशन जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मैदान में एक कंपटीशन लेकर आता है डिफरेंट स्टूडेंट्स से। आप लोग डिफरेंट इनोवेशन जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले करते हैं और हमारी जजेस की टीम जो है वो फैसला करती है कि हु इज द विनर। लेकिन यहाँ पर बताते चलूं कि आफ्टर द सेंटर साउथ और बलूचिस्तान कंपटीशन नाउ वी आर हेयर फॉर द नॉर्थ रीजनल फाइनल। और इसी तरह हम लोग एक नई एक्साइटमेंट लेकर आ रहे हैं और आज हमारा साथ देने वाली है रबिया भी हमारे साथ और मैं भी आपके साथ रहूंगी, आप लोगों ने भी साथ साथ रहना है जी। तो रबिया हमें बताइए कि हम ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लाइव देख पा रहे हैं। बिल्कुल शो, ये हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं लाइव HEC के वेब टीवी से जिसका URL है hec.gov.pk और ये प्रोग्राम वो लाइव देख सकते हैं ज़ेविस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ऑफिशियल पेज से भी। बिल्कुल। और ये हम प्रोग्राम जो है ये इवेंट जो है आज का ये हम बराह रास्त दिखा रहे हैं ज़ेविस स्टूडियोज इस्लामाबाद से और वो इस प्रोग्राम को लाइव भी सुन सकते हैं ZEB FM 106.6 पर। बिल्कुल ठीक बात की आपने। और अभी हम लोग लेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने पड़ते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं। आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, देखते ही रहिए हायर एजुकेशन TV चैनल। वेलकम टू ZEB मीडिया साइंस।
Audio Jungle. Audio Jungle. Microsoft, in collaboration with Higher Education Commission, is bringing you the most exciting event of the year, Imagine Cup 2020. Imagine Cup 2020 is once again here. We were very fortunate that LGU was selected last time also for Imagine Cup 2019, which was live telecast from Lahore Garrison University. And this time also the competition continues and we were selected within the Pakistan competition among the other universities. We are grateful to Microsoft also for not only selecting us purely on merit and transparency,
But also, we are thankful from the perspective of Pakistan that they are contributing to it. Welcome back, viewers. हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बताते चलो अपने viewers को कि आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन टीवी चैनल और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इमेजिन कप 2020 के कंपटीशन के लिए जो कि लास्ट रीजनल फाइनल आज बराह रास्त नशर किया जा रहा है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से और इसके अलावा आप ये बराह रास्त देख रहे हैं edutv.hc.gov.pk के थ्रू. अच्छा बताते चलूँ कि नॉर्थ रीजनल फाइनल में डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट्स आज यहाँ पर मौजूद हैं और गिलगित पिशावर केपीके एजेके और इसके अलावा बल्तिस्तान स्कर्दू से होकर अब जो है यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं नॉर्थ रीजनल फाइनल के लिए और जनाब आज इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडेंट हमारे जजेस भी मौजूद हैं और ये तमाम जजेस आज एवेलुएट करेंगे डिफरेंट टीम्स को. स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी गहमा गहमी है उस तरफ भी आपको लेकर चलेंगे. हमारे पास फील्ड होस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपसे थोड़ा सा आपको वो सारा व्यू दिखाएंगे कि वो तमाम स्टूडेंट्स किस हद तक एक्साइटेड हैं आज के इस कंपटीशन के लिए. तो जल्दी से जजेस का तारुफ कराते चलो. हमारे पास हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर साद रहमान साहब जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ ईएमई नर्स से इनका ताल्लुक है. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आप तशरीफ लाए. वी वेलकम यू टू दिस इमेजिन कप 2020. इसके बाद जो है सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ रुबाब और मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल नर्स्ट इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. इसके अलावा थर्ड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं आमना जावेद और इनका ताल्लुक टेलीनोर से है, बिजनेस डेवलपमेंट लीड हैं ये टेलीनोर में. और तमाम गेस्ट को वेलकम करती हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच तमाम जजेस का जो यहाँ पर मौजूद हैं. और इस कंपटीशन के हवाले से मज़ीद मैं ये बताती चलूँ कि इमेजिन कप हमेशा से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मैदान में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आकर यहाँ पर अपने नए प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रेजेंट करते हैं जजेस के सामने. और इस कंपटीशन के बाद जो आप देख पाएंगे हमारा जो पाकिस्तान नेशनल फाइनल वो इसके बाद जो है सिलेक्ट किया जाएगा. हम देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के कौन से वो टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने बेस्ट जो है वो इनोवेशन लाई है खासतौर पर पाकिस्तान में. तो जजेस से मैं सवाल करूँगी. डॉक्टर साद रहमान साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह लास्ट टाइम इमेजिन कप 2019 हुआ और उसके विनर भी हुए इन द एंड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नाउ इट्स 2020 अनदर ईयर जो कि स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए और दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे आज इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माइक्रोसॉफ्ट एंड एचएससी फॉर अरेंजिंग सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. और आई नो के दिस प्रोग्राम इज गोइंग अक्रॉस द पाकिस्तान एंड पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए, विच इज़ अ ग्रेट एंड हेल्दी एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स. मैं ये देखता हूँ कि जी कि 2019 और क्योंकि मैं इमेजिन कप के साथ थोड़ा पास्ट 4-5 ईयर्स आई एम एसोसिएटेड और माशाल्लाह एज अ नेशन वी आर डूइंग रियली गुड कि हम नेशनल इंटरनेशनल फाइनल्स तक भी जा रहे हैं. वी हैव रीच्ड द फोर्थ पोजीशन जो कि बहुत बड़ी बात है एज अ कंट्री. तो जो हम इसमें चीज़ें देख रहे हैं दैट इज़ के एक तो स्टूडेंट्स के पास कैसा आइडिया है, हाउ दे हैव प्रेजेंटेड, कौन सी लोकल प्रॉब्लम है, हाउ दैट इज फीडिंग टूवर्ड्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कौन सा गोल जो है उसको अम्ब्रेला में वो आ रहा है. प्लस जो लास्ट थिंग मैं देखता हूँ कि उसमें हाउ माइक्रोसॉफ्ट एज अ इंटरनेशनल कैन टेक दैट आइडिया एंड मेक कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस आइडिया. सो जो अभी पाकिस्तान में एक चीज़ जो विच इज एन अपकमिंग ट्रेंड इज द एंटरप्रेन्योरशिप. तो हमें अब बेसिकली एज अ नेशन इस चीज को अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना है कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब वी शुड बी एबल टू गिविंग अ जॉब. ठीक है, हमें बेसिकली जॉब क्रिएट इसी तरह ही करनी है कि हमारे स्टूडेंट्स जब निकले तो अपने स्टार्टअप्स को लेके चले आगे एंड दैट इज द ओनली वे के इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब वी शुड बी एबल टू गिव अ जॉब. बिल्कुल, वेल दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो कि आगे आना चाहते हैं और अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं नेशनल वाइड. और बताते चलो कि 2020 का जो कंपटीशन है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए, ये इंस्पिरेशन है और जिनकी इमेजिनेशन जो है वो फुलफिल नहीं होती तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म इमेजिन कप इसका नाम इस वजह से रखा गया कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाए. जो आप ड्रीमलाइज करते हैं वो तमाम स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे आना चाहते हैं उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म.
जी डॉक्टर सदफ रुबाब, आपके आपकी तरफ आती हूँ। आप हमें बताइए कि जिस तरह से लास्ट कंपटीशन रहा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसी तरह दिस इज अनदर ईयर जिसमें स्टूडेंट्स एक नए आइडिया के साथ आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? उनके जो नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया हो, दे आर मीटिंग दे आर सोशल नीड्स, जो हमारे सोशल या सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। बिकॉज हम काम करके, प्रोजेक्ट करके, इफ वी आर नॉट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ अवर पीपल, एक्चुअली वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। सो वी विल सी के हमारी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलती है उसमें से, हमारी सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स एड्रेस हो रहे हैं, हमारा कॉमन पीपल उससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी आपने खूबसूरत बात की है कि सोसाइटी को अगर फ़ायदा नहीं पहुंचता तो मेरे ख्याल से इट्स मीनिंगलेस, और वो तमाम चीज़ें जो वाकई में स्टूडेंट्स दिखाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सब तक एक अच्छा मैसेज लेकर आना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उनकी तरफ भी आप लोगों को लेकर चलेंगे। अच्छा मिस आमना जावेद, आपसे सवाल है मेरा, आप क्योंकि टेलीनॉर से आपका ताल्लुक है, तो एक टेक्नोलॉजी के हवाले से आप इस इमेजिन कप को किस तरह से देखती हैं और आज के इस कंपटीशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड HEC कम्बाइनली। सो आज के कंपटीशन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, एंड आई हाईली इनक्रेज ऑल द स्टूडेंट्स टू कम अप विद देयर आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज एवरीबडी हैज़ ड्रीम्स, एवरीबडी वॉन्ट्स देम टू कम ट्रू, एंड दिस एक्चुअली यू नो काइंड ऑफ इनक्रेजेज द स्टूडेंट्स के जो उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, जो उनके आइडियाज़ हैं, हाउ दे कैन मेक देम कम ट्रू। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी को फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, एक स्टार्टअप में, एक ऐसी चीज में जो दैट कैन क्रिएट वैल्यू टू पीपल, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन यू नो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पाकिस्तान को एज ए नेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू कैन शो कास्ट दैट वी आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आई हाईली इनकरेज स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, कि वो अपने टेक्निकल स्किल्स को अपने बिजनेस स्किल्स के साथ अमैलगमेट कर एक क्रिएटिव चीज़ बनाएं, और उसमें हम देखें कि उसका क्या सोशल इम्पैक्ट है, क्या पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, क्या एज ए नेशन हमें फायदा हो सकता है, एंड सो वी जॉइंटली वर्क ऑन इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दिस कंपटीशन अगेन जो कि नॉर्थ रीजनल फाइनल आज दिखाया जा रहा है बराह रास्त हायर एजुकेशन TV चैनल पे, जिसका URL है edutv.hc.gov.pk। इसके अलावा बताते चलूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से इट्स अ ज्वाइंट कोलेबोरेशन जो कि इमेजिन कप यहाँ पर आज लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपना ये तमाम इवेंट, आज शाम तक हमारा और आपका साथ रहेगा, बल्कि दो दिन का ये साथ जो है वो रहेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शुमायरा, और आप जो है आज हमारे साथ रहने वाले हैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज से भी आप बराह रास्त देख रहे हैं हमारी आज का ये तमाम इवेंट, और इसके अलावा आप ज़ैब FM 106.6 के जरिए से भी लाइव सुन रहे हैं आज का ये इवेंट। और आप लोग जो है वो तमाम अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, हमारी जो EDU TV की वेबसाइट है उसके साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं ये तमाम चीजों के लिए। तो जनाब अब साथ साथ हम लोग आपको एक ओवरव्यू भी देंगे कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह से एक्साइटेड हैं, बिकॉज आज जो है वो तमाम स्टूडेंट्स नॉर्थ साइड ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पर मौजूद हैं, गिलगित से इनका ताल्लुक है, पेशावर से, सम ऑफ देम आर फ्रॉम KPK, और इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ जो है वो मौजूद रहेंगे आज डिफरेंट स्टूडेंट्स, और बल्तिस्तान और स्कर्दू से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जनाब। तो अभी मैं चलती हूँ फील्ड होस्ट की जानिब और देखते हैं कि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स और किस हद तक एक्साइटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अलीज़े खलीली एंड आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम ज़ैबिस्ट वेयर द माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड एंड अ लॉट ऑफ टीम्स हैव अराइव्ड, एंड लेट्स स्पीक टू वन ऑफ आवर फर्स्ट टीम्स दैट आर हियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं इमेजिन कप के लिए, तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आपका प्रोजेक्ट किस बेसिस पे है। My name is Sundas. I am from Namal. Our developed project is IoT smart waste management system, and we are so much excited. We are qualified in first round and hope for the best. तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके chances कैसे हैं? Hopeful हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इंशाल्लाह qualify कर जाएंगे। ठीक है, thank you so much.
We'll take you back to our host, Shamaila. जी तो आपने देखा कि स्टूडेंट किस हद तक एक्साइटेड है जनाब. ये हमारी फर्स्ट टीम है आज के इस लास्ट रीजनल फाइनल के लिए और देखते हैं कि ये टीम क्या प्रेजेंट करती है जजेस के सामने. तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इस टीम से. लेट्स सी कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं. तो अभी हम लोग लेकर चलते हैं आपको टीम की जानिब और फिर देखते हैं कि किस तरह से आज प्रेजेंट कर रहे हैं जजेस के सामने हमारी जो फर्स्ट टीम है वो. तो अभी टीम जो है जब तक यहाँ पर आ जाती है मेरे जजेस से एक और सवाल है. सर डॉक्टर साद साहब आपसे क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्थ साइड से अभी गिलगित पेशावर और केपीके से स्टूडेंट्स आए हैं तो आपकी क्या तासुरात हैं कि इस दफा नॉर्थ साइड क्या लेकर आने वाली है? बेसिकली नॉर्थ साइड इज आवर होम जी. सो वी वुड एक्सपेक्ट के दे शुड प्रेजेंट इन अ गुड वे. नंबर वन जो इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड आस्क देम टू डू इज के सीखें दूसरे के साथ के जो कॉन्सेप्ट हैं जो आइडियाज हैं दे शुड लर्न. आई थिंक एवरीबडी इज अ विनर हियर. आप यहाँ तक आए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, यू आर ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान. तो आई वुड से के आप सीखें ताकि यू शुड बी एबल टू पॉलिश योर स्किल्स ताकि आप जब यूनिवर्सिटी से निकल के जब आप एक अमली मैदान में कदम रखेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे. बिल्कुल. अच्छा एक और सवाल है मेरा आपसे सर. जैसे कि अभी पाकिस्तान भर से देखा जाए तो नॉर्थ साइड तो अब यहाँ पर हम मौजूद हैं लेकिन सेंटर साउथ और बलूचिस्तान से होकर वापस अब नाउ वी आर हेयर फॉर नॉर्थ साइड. तो बाकी ये तमाम आपकी क्या एक फीडबैक रहा ये तमाम जो साउथ साइड और बलूचिस्तान से होकर अब कम्पिटिशन में अब नॉर्थ साइड इंटर होने वाली है? व्हाट डू यू से अबाउट द साउथ साइड और बलूचिस्तान? जो मेरी डिस्कशन हुई है माइक्रोसॉफ्ट की टीम से, एचईसी की टीम से और जो मुझे फीडबैक मिली दैट इज वेरी इंकरेजिंग. एंड एवरी ईयर जो स्टूडेंट्स का लेवल है चाहे वो आइडिया से रिलेटेड है, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल से रिलेटेड है, चाहे वो उनकी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड है, सो वो बेहतरी है हर साल एवरी ईयर. पहले हम ये देखते थे कि कुछ एक आ टीम आ रही होती थी किसी रीजन से. सो नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर द जजेस इवन कि इतनी टीम माशाल्लाह है कि इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज देम इवैल्यूएट देम और उसके बाद कैसे इनको देखा जाए ना. सो इट्स अ वेरी हेल्दी साइन जो ओवरऑल पाकिस्तान माशाल्लाह आर यूथ आर डूइंग. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर सदफ साहब आपकी तरफ आऊंगी. आप हमें बताइए कि जैसे एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी समटाइम ऐसा होता है इवेल्युएट करना मुश्किल हो जाता है. जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि इवेल्युएशन में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि 4-5 टीम जो है वो एट अ टाइम एक अच्छी इनोवेशन लेकर आती है, एक अच्छी अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आती हैं और एक्सपेक्टेशन भी अच्छी होती है उनकी. तो इस इन चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है कि कोई भी जो है वो डिसार्ट ना हो कोई टीम मेम्बर? तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हम उन्हें एवेल्युएट करें टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी जी मार्केट एस्पेक्ट से हाउ डाइवर्स देयर प्रोजेक्ट इज व्हाट दे आर इंक्लूडिंग लाइक दे आर एड्रेसिंग द जेंडर इश्यूज एज वेल व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट. सो मल्टीपल कोहर्ट मेयर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम उनको एनालाइज या मॉनिटर कर रहे होते हैं. ठीक है सही है. जी तो हमारी नेक्स्ट टीम जो है वो यहाँ पर आ चुकी है. हम इनको दावत देंगे कि जल्दी से हमारे साथ शामिल हो जाएं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्ले करें जजेस के सामने. वालेकुम अस्सलाम जी. वी वेलकम आवर फर्स्ट टीम और आप लोग बताइए कि क्या आप प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं? IoT based smart waste management system. अच्छा. Basically, I'm from Nirmal University, student of software engineering. ठीक है. आप continue करें. Objectives in smart waste management system. Inzor आगे. सही. We develop a smart waste management system. Basically, our project is traditional and conventional mode of smart waste management system. The smart waste management system is the dustbin located in streets is overflowing due to increase in waste day by day and increase in toxic condition for the people and produce bad smell and disease around the surrounding due to disease waste in every day. The
core objectives of smart waste management system is to give society a thorough quality system that helps to control the system online using the IoT and help to manage with the waste system easily and reduce the cost, time, and also help to detect and collect waste materials. It will be enabled to find the location of dustbin, detect the ground level of each dustbin, receive the alert notification, imply notification, find the shortest path to perform the desired task, monitor and track all the vehicles. There are some existing systems which cannot match with our system. There are few systems with our impact, solar panel system and manual system. In impact, there are dustbins, they have connected with the vacuum tube. When you put some trash in the dustbin, in the vacuum tube, vacuum it to the main container. Solar panel system is a panel system which is placed in India. They basically underground dustbin, and they put the dustbin underground. And when dustbin get filled, they have used some GSM notification system which send message to the municipality authority, and they get filled. They get empty when get it filled. And manual system, as you know, a waste collector truck is running in the street, and they empty the dustbin one by one and check all the dustbin. They can, but our system is different from manual system. Is our system only target only those dustbin which are full, which are empty. Our system does not detect only these systems. In our system, whenever the waste bin gets filled, the system generates a notification to the employee which is nearby to the dustbin, and provide the optimized route to the employee. Our system also traces the vehicle employee management. Whenever the dustbin gets filled, the ultrasonic ultrasonic sensor senses the garbage level of dustbin. Anything else you want to tell? Prototype आपका है क्या? Any prototype at this time? कोई video, anything which you want to show us? Basically, we have two applications. One is Android application and one is web application. Our smart dustbin contains ultrasonic sensor, Arduino, Node MCU. When dustbin gets filled, ultrasonic sensor monitor the level of garbage in the dustbin. When dustbin gets filled and reach to the level of 80, we set a level 80. When it reaches to the 80, it generates a notification and send it to the waste collector. Waste collector is a truck driver which have Android application and install our Android application. When it get login is it must have a login, and then it's dustbin when get filled, it's receive a notification to accept a ride as a ride. It's okay, and then our app direct it to the Google Map. Give him a location exact from optimized route from current location to the dustbin location. अच्छा, आपने optimized route की बात की. चलें, optimized route तो वो निकाल देगा, ठीक है. अगर आपने cost of travelling to cost of garbage collect निकालनी है ratio, तो वो कैसे निकालेंगे? अब reason being के अगर आपकी दो dustbins हैं, एक city के north में, एक city के south में, तो पूरा आपका truck जाएगा नीचे उसको collect करने के लिए. Basically sir, जो हमारा concept, basically हमारा जो concept है, वो concept ये है कि एक street में अगर आपके 10 dustbin पड़े हुए हैं, तो manual गाड़ी क्या करती है कि वो एक inter street से enter करती है और one by one 10 dustbin को check करती है, और चाहे वो फिल हो ना फिल हो, उनको खाली कर दी जाती है. लेकिन हमारा सिस्टम क्या करेगा कि वो अगर 10 डस्टबिन पड़े हैं, तो वो सिर्फ उनको टारगेट करेगा जो डस्टबिन फील्ड हैं, जो जितने फील्ड हैं उनमें से ऑप्टिमाइज रूट निकालेगा आपका कि नहीं? जी सर, मतलब जो डस्टबिन सर फिल होते जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल कि ये भी पॉसिबल है कि सारे एक ही टाइम पे फिल हो जाएं, पॉसिबिलिटी है, और सारे नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं. देखिए, माय क्वेश्चन इज के अगर आपके 5 डस्टबिन फिल हो गए हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज,
तो क्या आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर द गार्बेज कलेक्टर वो उसको ऑप्टिमाइज रूट निकाल के देगी कि नहीं देगी? देगी नहीं कैसे? Have you designed any algo? उसका कोई फ्लो चार्ट के कुछ है आपको? Algos हैं सर, but we have not in presentation here. अच्छा, ठीक। ये provide हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे फिर तो इस ऐप का कोई फायदा नहीं है। रीजन बीइंग के वो आपके ओवरहेड जी कंपनी के इतने आ जाएंगे कि वो इट्स नॉट पॉसिबल। ऑप्टिमाइज रूट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पीछे एक वेब एप्लीकेशन, उसमें हमने एडमिन पैनल बनाया हुआ है, जो एडमिन पैनल उसको लाइव मॉनिटर भी कर रहा है, उसको लाइव एक्टिविटीज मॉनिटर कर रहा है। हमारे पास डस्टबिन कितने हैं, एम्प्लॉयज का क्या रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज अभी क्या काम कर रहे हैं, डस्टबिन के उसमें स्टेटस अपडेट होते हैं उसमें। आपने कोई इसकी टेस्टिंग रन की है? जी सर। कहाँ पे, क्या मतलब, व्हाट वाज द सिनेरियो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सिनेरियो हमने यूनिवर्सिटी में ही अपनी इसको रन किया है, हमने तीन बेसिकली इसके मॉड्यूल्स बनाए हैं और बेसिकली हमने दो तीन ड्राइवर मोबाइल्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है और फिर इसको टेस्ट रन किया है। ठीक है, ओके। तो आपकी यूनिवर्सिटी का कितना एरिया था जिसमें आप ऑप्टिमाइज रूट फाइंड कर रहे थे? बेसिकली हमने उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में के करीब रख के उनको बेसिकली हमारे एक इसमें ये भी है कि हमने उसको नेट इंटरनेट प्रोवाइड करना है अपने सिस्टम को, क्योंकि हमारे जो सेंसर है थ्रू इंटरनेट डाटा सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, तो हमने उसको विद इन इंटरनेट रेंज हमने उसको रखा। तो आप ये डस्टबिन में कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर सर? हम उसे अभी तो हम उसे थ्रू वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वाईफाई भी तो कहीं से आएगा ना उनके पास? जी सर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, डू यू थिंक वहाँ पे आपको फ्री कनेक्टिविटी ऐसे सड़कों पे मिलेगी वाईफाई की? बेसिकली दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज, ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट, जो स्मार्ट सिटीज होते हैं उसमें एवरी थिंग इज स्मार्ट और ऑप्टिमाइज होती है, तो उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है इस तरह। ठीक है, ठीक। ओके जी, थैंक यू सो मच। दिस वॉज अवर फर्स्ट टीम और व्यूवर्स आपकी तरफ आती हूँ, आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन टीवी चैनल एंड टुडे वी आर हेयर फॉर इमेजिन कप 2020 कंपटीशन और लास्ट रीजन फाइनल में हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम लोग जजेस को भी थोड़ा सा इंगेज करते हैं। जी जजेस, आप लोगों का क्या फीडबैक रहा फर्स्ट टीम के हवाले से? नहीं जी, अच्छा आइडिया है। इट्स जस्ट दैट के वी नीड द स्टूडेंट्स नीड टू बी लिटिल प्रिपेयर्ड अबाउट के जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, तो आइडिया इज गुड। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स और जो जैसे उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी इज अपकमिंग ट्रेंड इन पाकिस्तान, वी हैव टू क्या कहते हैं एम्ब्रेस इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर फॉर अ बेटरमेंट ऑफ लिविंग एनवायरमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, तो इंशाल्लाह लेट्स सी कि बाकी स्टूडेंट्स किन आइडियाज के साथ आते हैं, तो इन कंपैरिजन ही जी एग्जैक्टली वी आर एक्साइटेड फॉर द मोर टीम्स एज वेल एंड टुडे वी आर हियर फॉर द नॉर्थ रीजन फाइनल। और बताते चलूं कि 160 टोटल टीम्स हैं आज यहां पर, सब तमाम टीम्स यहां पर तशरीफ लाएंगी और अपने प्रोजेक्ट्स यहां पर डिस्प्ले करने वाली हैं जजेस के सामने, और इन दो दिनों का ये तमाम जो इवेंट है इसमें हम लोग कवर करेंगे इन 160 टीम्स को। तो आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज लास्ट का जो 2019 का इमेजिन कप रहा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन इस साल नई चीज़ें हमारे पास आने को मिल रही हैं और नई चीज़ें हमें सीखने को भी मिल रही हैं। जी मिस आमना जावेद, आप हमें बताइए कि चूंकि आपका ताल्लुक टेलीनॉर से है, तो आपको कैसे लगा ये फर्स्ट टीम का प्रोजेक्ट, तो क्या कहेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के दौर में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नई इनोवेशन है और ये टू बी कंटिन्यूड है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि क्या मोबाइल एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी विन कर सकता है? नेचुरली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फोन नाउ, अब हमारा अपना सर्वाइवल भी मोबाइल फोन पे ही है, तो मोबाइल एप्लीकेशन आर हाईली इनकरेज एंड एवरीथिंग इज, जैसे साद ने अभी कहा कि दिस इज बेसिकली वन ऑफ द सेगमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, तो ये एक स्मार्ट सिटी का एक पार्ट था। सो इसी तरीके से डिफरेंट पार्ट्स, अगर हमारे पास और भी इस तरह के आइडियाज़ आते हैं रिलेटेड टू स्मार्ट सिटीज़, तो उनको सेगमेंट कर हम एक बड़ा होलिस्टिक प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है। सो एक ये अच्छा इनोवेटिव आइडिया था विच नीड्स इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, काफी ज्यादा लूप होल्स थे, लेकिन लेट्स सी इन कंपैरिजन और कैसे आइडियाज। ओके, लेट्स सी, वी हैव आवर नेक्स्ट टीम एज वेल और नेक्स्ट टीम हमारी मौजूद है टीम LF और देखते हैं किस तरह जो है वो ये एक्साइटेड है और अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। सो वी वेलकम आवर नेक्स्ट टीम LF प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनका ताल्लुक नर्स्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है और देखते हैं कि आज ये क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अपना नाम बताइए और फिर अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाइए। मुख्तार है और मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि उर्दू बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस वजह से बनाई गई है कि जो लैंग्वेज बैरियर आता है इन द परसूट ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज उसको ख़त्म किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमैर मुख्तार एंड आई एम द फाउंडर एंड डेवलपर ऑफ अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो थिंक दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ माइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ फूड ऑफ थॉट फॉर ऑल ऑफ यू। After that, we will be discussing the problem, the solution that we are offering, the features that our solutions have, some code samples of Alif programming language, journey of Alif programming language, way forward, what we want to do in future, and meet my hero, video demonstrations. So, you have 5 minutes. You have to finish. कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी क्यों बनाते हैं, महरूमियाँ क्रिएट करने के लिए या महरूमियाँ खत्म करने के लिए। लैंग्वेज बैरियर, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है तो हमें, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश में हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, सो दे डोंट गेट अ चांस टू लर्न प्रोग्रामिंग। दूसरी चीज़ यह है कि इनएक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल है लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल को। हम यूनिवर्सिटी आ जाएँ हमें पता चलता है प्रोग्रामिंग कोई चीज़ है, हम यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचेंगे हमें सारी ज़िंदगी नहीं पता चलेगा प्रोग्रामिंग कोई चीज़ है। डिफ़िकल्टी यह है कि बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है बहुत सारा थोड़ा काम करने के लिए। अच्छा, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा के फिर ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका मुल्क तरक्की करे और फिर आप इधर उधर देखें कि जी फलां मुल्क तो बहुत आगे निकल गया है। यू हैव टू मेक श्योर कि हर बंदे तक ये चीज़ पहुँचे, हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन कर सके इसको आगे बढ़ाने के लिए। सो सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का? सोल्यूशन ये है अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक उर्दू बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बच्चे भी आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि ये उर्दू में है, इसको इंग्लिश सीखनी नहीं पड़ती। आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप फिर भी प्रोग्रामिंग कर सकते होते हैं अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। अच्छा, फीचर्स क्या हैं? कोड कम्प्लीटली उर्दू में लिखा होता है, एक नई किस्म की लूप है, ऑडियो प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इवेंट हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इस तरह की चीज़ें। ये एक सैम्पल है सिंपल सा कि आप हेलो वर्ल्ड आपने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए। आप लिखेंगे लिख अस्सलाम वालेकुम दुनिया, ये सुबह आप स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा अस्सलाम वालेकुम दुनिया। वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर करना है, लेट्स से इंट टाइप का वेरिएबल, यहाँ पे हमें लगता है यार इंट है, सीधी तो बात है इंटीजर ही होगा, पर जब मैंने खुद शुरू किया था तो मुझे नहीं समझ आती थी कि इंट का क्या मतलब होता है। तो अब अदद अलिफ बराबर है 2 और लिख अलिफ, तो अलिफ की जो वैल्यू होगी वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अगर आप एक ड्राइंग ऐप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक बुनियाद बना देंगे, एक विंडो बना देंगे और फिर आप एक सफ़ा डिक्लेयर करेंगे। सफ़े में बैक एंड पे इवेंट हैंडलर ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है जब इसे क्रिएट करते हैं ऑन द गो। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको एक्सटर्नल इवेंट हैंडलर नहीं बनाना पड़ता, सिंपल आप उस बुनियाद में सफ़ा जमा कर देंगे और आपकी ड्राइंग ऐप चल गई है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन्स वगैरह करेगा। अच्छा, ये एक नया आसान तरीका है लूप लगाने का, ये चलो 5 बार लिख अस्सलाम वालेकुम दुनिया। तो ये अगर आप ये कोड देखें, आप ये किसी को भी दिखा दें जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं देखी, वो देखकर बताएगा कि हाँ ये 5 दफ़ा चलेगी। मेरे अबू, जब मैं ये बना रहा था तो मेरे अबू मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनको दिखाया ना कि मैंने ये नई चीज़ बनाई है, मतलब नई लूप बनाई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये 5 दफ़ा चलेगी या कितनी दफ़ा चलेगी। और ये वाली लूप तो मैंने अपनी अम्मी से भी यूज़ करवाई थी, उन्होंने उनको मैंने कहा था कि हाँ 3 दफ़ा चलाएँ 5 दफ़ा चलाएँ, तो सीधी सीधी बात थी तो आसानी से हो जाता है। अच्छा, जर्नी ऑफ अलिफ क्या, पहले हमने अलिफ डेवलप की, फिर उसके बाद लोगों से मिला, मैं बहुत लोगों से इसको वेरीफाई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं था, तो लोग मुझे इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते थे, लोग नहीं मानते थे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, डिफेंड करना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद अभी रिसेंटली पाशा ICT अवार्ड्स में अलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिल्वर अवार्ड मिला है, और उधर से मुझे कुछ आइडियाज़ भी मिले थे इसको और इम्प्रूव करने के, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट भी किए हैं और आगे आपको मैं दिखाऊंगा किसी वीडियो डेमोंस्ट्रेशन में। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड, हमने अब क्या करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई, अब हमारा काम यह है कि हम लोगों ने लोगों तक पहुंचना है, बच्चों तक जिनके लिए बनाई है उन तक पहुँचना है। अब उसको पहुँचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? ये तो अब इस गवर्नमेंट ने डिजिटल पाकिस्तान का शुरू किया है इनिशिएटिव, उसका उनको मैंने ईमेल की थी और उनका मुझे रिप्लाई भी आ गया, होपफुली अब चीज़ें वे फॉरवर्ड चलेगा। दूसरा यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
गवर्नमेंट पाकिस्तान में ये है कि अभी मैं करंटली दो मिनिस्टर्स से इस चीज़ की बात फेस टू फेस कर चुका हूँ और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नास्ट वालों ने मुझे कहा कि हम तुम्हें और मिनिस्टर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका रेलिवेंट फील्ड है, कि चांसेस हैं कि हमारे आई एम श्योर कि मेरी एजुकेशन मिनिस्टर से जल्दी मीटिंग हो जाएगी। और क्या करना है, हमने लैंग्वेजेस और भी ऐड करनी है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है सर जहाँ पे लोगों की इंग्लिश नहीं आती, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों की इंग्लिश नहीं आती होती और वो पीछे रह जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारा फोकस पाकिस्तान था क्योंकि हम पाकिस्तान को फोकस करना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दूसरी कंट्रीज़ में भी ग्रो करना चाहिए और भी लोगों को हमें एम्पावर करना चाहिए और ये चीज़ में रूम ही नहीं रहनी चाहिए किसी के लिए। मोर फीचर्स ज़ाहिर है वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ एंडलेस, हर रोज़ाना नई चीज़ें बन रही होती हैं तो चीज़ें ऐड करते रहना। और एक और फीचर जो कि मुझे आया कि स्पीच टू कोड, बंदा बजाय इसके कि वो बैठ के लिखे वो बोले और उसको इम्प्लीमेंट, इसके मैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये चीज़ बना भी रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून इट विल बी अवेलेबल इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, लेट्स इमेजिन, अच्छा लेट्स इमेजिन एक बंदा है उसे इंग्लिश नहीं आती, मैं कहता हूँ ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है ये तुम सीख लो, वो सीख लेता है। अब वो कहता है यार मेरी प्रोग्रामिंग आ गई है, मैं फ्री लेंसिंग करके पैसे कमाना चाहता हूँ। उसे काम, वो फ्री लेंसिंग के लिए कहता है ठीक है, उसे काम मिलता है जो कि वो अलिफ में कर सकता है, पर वो कहते हैं कि मुझे तो पाइथन में चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ तो मसला बन गया। तो उसके लिए हमने ये किया है कि आप अलिफ में जो काम करोगे उसको साथ ऊपर बटन बनोगे उसको पाइथन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी है वीडियो में, आगे चल के हम देखेंगे। पीपल हु मेड इट पॉसिबल, मैं उन लोगों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैं ये कर सकूँ। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया और मैं प्रोग्रामिंग का पता चला और सारा कुछ। टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी टीचर है मैम करतुलैन, उन्होंने मुझे पहली प्रोग्रामिंग सिखाई थी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी वो, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे क्लास फेलोज़ में उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे फादर हैं, आई हैव नेवर सीन अ मोर विजनरी पीपल पर्सन इन माई लाइफ देन माई फादर। लोग ये बड़ा फैसला होता है हम लोगों के लिए कि बच्चों को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना, और मेरे अबू ने यह बड़ा फैसला लिया था, तो आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, ही इज़ माई हीरो। ओके, सो द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड री लर्न। So video demonstration, who is video demonstrations? चलाएंगे। सबसे पहले ये हाँ चले अच्छा, अब इसको पाइथन में कन्वर्ट करके देखा। फाइल का आप नाम बताएंगे कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं, जो जिसमें कोड सेव होगा जो जनरेट हुआ पाइथन का, ऑडियो डॉट पाए। सर टाइम देख लें अभी जनरेट हुआ है। आप इसको रन करेंगे। आप उसमें कोड में चेंजिंग करेंगे और दोबारा एक नई स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे कि चेंजेस जो हमने किए हैं कोड में वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब उसकी एक नई फाइल जनरेट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि लगातार बोलता चाहे इन्फिनिट लूप में, तो लगातार लिख दिया उसके अंदर कि लगातार बोलो। उधर ही सेव कर गया। Yeah.
अच्छा आप उधर भी चला के देखते हैं कि उधर का कोड भी यही काम कर रहा है जो पाइथन वाला कर रहा है।
एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2020 कंपटीशन है, नॉर्थ लास्ट रीजनल फाइनल, और दो टीम्स जैसे ब्रेक से पहले यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए जजेस के सामने, जजेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, एवेल्युएशन का भी सिलसिला जारी है। अभी हम लोग अपनी थर्ड टीम को वेलकम करते हैं, इन्वाइट करते हैं। हमारी थर्ड टीम है टेबल डिजिटाइजर, और इनका ताल्लुक है नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वी वेलकम देम टू दिस इवेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? इंट्रोड्यूस कराइए और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट बताइए। तो मेरा नाम दानियल खालिद है, ये नौशवान अक्रम है, हम दोनों नस्ट के फाइनल ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, और हमारा प्रोजेक्ट जो है टेबल डिजिटाइजर। तो बेसिकली टेबल डिजिटाइजर जो है वो टेबल्स पे बेस्ड है, जो पेपर पे होते हैं बने हुए, जैसे आपके पैनल में टेबल्स बने हुए हैं पेपर्स पे। तो टेबल्स जो है वो हर जगह होते हैं, हमारी शॉपिंग रिसीट्स जैसे आपकी, आपके रिसर्च आर्टिकल्स में होते हैं टेबल्स। तो पॉइंट ये कि ह्यूमैनिटी का जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो टेबल्स में स्टोर्ड है, और मोस्ट ऑफ दैट डेटा जो है वो हैंड रिटन टेबल्स में, पेपर वाले टेबल्स में, डिजिटाइज टेबल्स में नहीं है। तो वो हमारे प्रोजेक्ट का फोकस है बेसिकली, कि हम एक ऐसे मोबाइल ऐप बनाएं जिससे आप इजिली उन हैंड रिटन पेपर बेस्ड टेबल्स को डिजिटल कर सकें SQL या Excel के फॉर्मेट में। तो बिफोर वी गो इन टू दैट, आप वंडर करेंगे कि हम डिजिटाइज करें क्यों टेबल्स को। तो हमारा जो मेन एक एम है वो आजकल जैसे मशीन लर्निंग और AI की एज है, और मशीन लर्निंग फोरफ्रंट पे है कंप्यूटर साइंस के, तो मशीन लर्निंग की बहुत एक मेन डिपेंडेंसी है डेटा की अवेलेबिलिटी पे। अक्सर हम भी मतलब मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे जैसे काम कर रहे होते हैं तो हमें डेटा नहीं मिल रहा होता, तो अक्सर जो इस तरह का डेटा होता है वो आपके पेपर पे टेबल्स पे स्टोर्ड होता है। तो उसको हम डिजिटाइज करना चाहें ताकि जो रिसर्चर्स हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स अपने आराम से ट्रेन कर सकें। दूसरा ये कि जो डेटा एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, डेटा साइंस आजकल बहुत चल रही है, तो उसमें भी जैसे आपके पास अगर फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं तो उन पर आप ग्राफ्स वगैरह बनाएं बहुत टाइम लगता है। तो हम एक सोल्यूशन चाह रहे हैं कि आप फ़ोन निकालें, आप एक पिक्चर खींचें टेबल की, और वो इंस्टेंटली उसको आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट कर दे, फील्ड्स के विजुलाइज कर दे वो डेटा आपके लिए। थर्ड ये कि वो सिंपली आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो फायर्स से वल्नरेबल होते हैं, उनको शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सिंपल एक इमेज लेके आप उनको क्लाउड में मैनेज कर सकते हैं और कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी OCR सिस्टम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप वंडर करेंगे कि हम वो क्यों यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो टेबुलर डेटा पे है, और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे Adobe वगैरह, वो टेबल्स को कैटर नहीं करते। उनमें आप अगर टेबल्स को करेंगे ना डिजिटाइज करने की कोशिश, तो वो या एज उनको इमेज कर लेते हैं इम्पोर्ट, या वो सिंपल उनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनका सिग्निफिकेंस नहीं देखते रोज और कॉलम्स की। तो हमारा जो हम अपना कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं, जो आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट करता है और हर सेल को मैप करता है कि कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है, इसकी मीनिंग क्या है, बेसिकली सिमेंटिक्स वो टेबल के एक्सट्रैक्ट करता है। अब नौशवान थोड़ा सा बताएगा कि ऐप चलती कैसे। ओके, सो यू कैन ऑल्सो लुक इन टू द वीडियो, कि पहले पिक्चर लेते हैं, फिर उस पिक्चर में से टेबल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर जो सर टेबल में प्रिंटेड और हैंड रिटन डेटा है उस दोनों को वो हेडिंग के साथ लेबल करके अपने मतलब या तो एक्सेल फॉर्मेट में या तो SQL में डेटाबेस के तौर पे स्टोर कर लेते हैं। तो अब जैसे दानियाल ने पहले बताया था कि गैप ये है कि हम सपोज पिक्चर की इमेज ले लेते हैं तो वो या तो प्लेन इमेज होती है या तो उसका सिर्फ टेक्स्ट होता है। तो हम इस चीज़ को फोकस करें कि जब पिक्चर लेगा तो प्रिंटेड हैंड रिटन इस दोनों को टेबल फॉर्मेट में स्टोर करेगा अपने डेटाबेस में या फिर एक्सेल शीट्स में, तो हम उसे फर्दर फ्यूचर में उसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो अब बेसिक कॉन्स्टेंट्स ये भी हैं कि मतलब कुछ एक्यूरेसी का भी इशू आता है, तो उसको हम इस तरह टैकल करेंगे कि सपोज यूजर्स को ऑप्शन आएगी कि ये मतलब कौन सा है, या फिर सपोज अगर हम pH वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो pH वैल्यू के मतलब 0 to 14 रेंज है, तो हम ये इधर तक रखेंगे ताकि इन एक्यूरेसीज अवॉइड हो पाए, 15 तक सपोज ना वो प्रिडिक्ट करें। और हमारी एप्लीकेशंस की अब वाइड वैरायटी हो सकती है, तो लेकिन सबसे बेसिक अभी जो सी हम टैकल कर रहे हैं, हम वासा जो सी है रावल डैम डेटा का फिल्ट्रेशन पार्ट से इनका ताल्लुक है, तो हम मतलब वो पिक वाटर को लेते हैं उनकी और हैंड राइटिंग में हैंड रिटन मतलब वो नोट करते जाते हैं पेपर पे उनकी वैल्यूज़। तो अब बेसिकली उनके पास डिजिटाइज सिस्टम नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं कि पिक्चर लेते हैं तो उस सारी डेटा को ना वो डिजिटाइज करके ना स्टोर कर लेते हैं। अब उस डेटा पे हम फर्दर मशीन लर्निंग मॉडल्स भी लगा करते हैं, सिंपल सपोज SVM लगा दें तो वो आगे अब बता देगा कि मतलब वाटर क्वालिटी मतलब इज इट ड्रिंकेबल, इज इट नॉट सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो और इसके फर्दर भी हम और जनरलाइज भी और कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस आगे बढ़ाएंगे हमारी, सपोज PIMS के लिए भी हम टारगेट कर रहे हैं कि उसके हम पेशेंट नर्स सपोज पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स के डेटा वो करती है स्टोर, तो उसको बेसिकली हमने अगर डिजिटाइज करना है मतलब अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है तो हम उसकी पिक्चर ले लेंगे तो वो सारा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, तो फर्दर आसानी होगी, ज़्यादा डेटा भी आ जाएगा फर्दर रिसर्च के लिए।
ये बेसिकली हमारे इनिशियल आउटपुट से मॉडल के ये इमेज सेगमेंटेशन का मॉडल हम यूज करें मशीन लर्निंग का. तो बेसिकली दो क्लासेस होती हैं कि एक होता है गैप बिटवीन द सेल्स और एक होता है सेल इटसेल्फ. तो ब्लैक वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं सेल है. ये हमारे इनिशियल रिजल्ट्स हैं ट्रेनिंग के. और ये जो नीचे वाला डेटा ये हमने रावल डैम से लिया था. तो ये इसमें उनके सारे वाटर क्वालिटी मेट्रिक्स हैं. तो जो स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन मॉडल है वो काफी हद तक एक्यूरेट है. इसमें थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग हम करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आ जाता है सेल्स. कितने परसेंट आपकी ऐप कंप्लीटेड है जो रावल डैम की एक्यूरेसी कितने परसेंट कंप्लीटेड है? इज इट अ वर्किंग मॉडल आपका जो? जैसे रिसर्च पार्ट हमारा कंप्लीटेड है, मॉडल जैसे ये है इसकी आउटपुट आ जाती है. हमारा जो अभी मेन काम है हम इसको ऐप में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं. तो मॉडल्स को हम ऑनलाइन अपलोड करें और साथ एक मोबाइल फ्रंट एंड बना रहे ताकि लोग इजीली यूज कर सकें. कितने परसेंट एक्यूरेसी आ रही है आपकी अभी? जैसे रावल डैम वाले जो डेटा सेट था उसके हमारे ट्रेनिंग सेट पे सॉरी टेस्ट सेट पे 92% एक्यूरेसी आ रही है. स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्शन पे 95.8% मतलब हैंड रिटन और पेंटेड पे 95.8% वाला मॉडल चलता है उस पे 92% आ रही है. उसके बाद हैंड रिटन चलता है सेल्स के अंदर उस पे 95 आ रही है. कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हुए हैं इसमें? हम बेसिकली अब यूनिट जो है एक इमेज सेगमेंटेशन का मॉडल है उसको हमने अडेप्ट किया और उसके अंदर हमने थोड़ा सा अपना रिकरेंट नेटवर्क्स लगाए. यूनिट जो है वो प्योरली कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स यूज करता है. हमने रिकरेंट नेटवर्क्स उसमें ऐड किए और वो मिक्स करके हमने अपना ये मॉडल बनाया कस्टम. जो आप एप्लीकेशन की बात करें फ्रंट एंड पे वो कहां किस फेज में डेवलप हो गया? स्टार्टिंग फेज में. तो अभी हम रिसर्च पार्ट कर रहे थे, इसका रिसर्च पार्ट ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया. तो अब हम इसके डिप्लॉयमेंट और एप्लीकेशन पे आ रहे हैं. सो आपने कहा कि वो सिर्फ सेल्स को मतलब जो टेबुलर फॉर्म डेटा होगा सिर्फ उसको करेगा और अगर जो टेक्सचुअल पैराग्राफ फॉर्म में उसको नहीं रीड करेगा उसको टारगेट करें. तो मतलब आपके पास पैराग्राफ्स हैं तो वो टारगेट हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेबल्स को टारगेट. तो जैसे मतलब गवर्नमेंट ऑफिस हैं काफी, जैसे रावल डैम फिल्ट्रेशन प्लांट के सारे इस तरह की बहुत ज्यादा स्टैक्स होती हैं, टेबल्स की होती हैं वो सारे डेटा. तो उनको आप इजीली डिजिटाइज कर सकते हैं. चले मुझे ये बताएं क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एज्योर कहाँ पे यूज करेंगे आप इसमें? सर एज्योर हमारे दो जगह अभी हमने स्टार्ट नहीं किया एज्योर यूज करना, लेकिन हमारी जो पॉसिबिलिटीज है दो ओपन वही है. एक मशीन लर्निंग मॉडल्स हम एज्योर पे डिप्लॉय करेंगे या हमारा जो बैक एंड है मोबाइल ऐप का वो हम नोड जीएस में वो हम एज्योर पे डिप्लॉय करेंगे. कोई सक्सेस स्टोरी आपके अभी तक कहीं और इसके अलावा आपने कहीं इम्प्लीमेंट किया? अभी हम इंडस्ट्री में मतलब दो जगह हम यूज कर रहे हैं. एक रावल डैम वाला है, एक डीएचक्यू हॉस्पिटल के साथ हम कर रहे हैं. तो इंडस्ट्री में मतलब हमारा चल रहा है अच्छा काम. और हमारा भी मेन एम ये कि मोबाइल ऐप बने ताकि लोग अपनी एवरीडे लाइफ में भी इसको यूज कर सकें, नॉट जस्ट कि हम लोगों के पास जाएं इंडस्ट्री में और उनसे कहें कि हम आपके डिजिटाइज करें. जी थैंक यू सो मच टीम टेबल डिजिटाइजर, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर तशरीफ लाए एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त रहा इनकी प्रेजेंटेशन भी. और अभी जो है वो जजेस की जाने बढ़ूंगे. जी आपका क्या फीडबैक रहा इनके हवाले से? अच्छा आइडिया जी, इट्स गुड. डिपेंड करते हैं कि कितना वर्केबल है और कितना फ्रेंडली होगा वंस दे डेवलप द मोबाइल ऐप. बेसिकली वहां से पता चलेगा क्योंकि वहां पे चीजें डिपेंड करेंगी कि जो कैमरा क्वालिटी है वहां से इमेज किस तरह एक्सट्रैक्ट हुआ है. सो काफी चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आएंगे जब वंस दे develop it for the real-time application. बिल्कुल ओके जी. अभी तो और भी टीम्स बाकी हैं और देखते हैं कि वो क्या नया लेकर आ रहे हैं. सो वी हैव आवर नेक्स्ट टीम, टीम कैनवस इनसाइट और जनाब इनका ताल्लुक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगेन नस्ट के टीम मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं तो हम इनको वेलकम कह देते हैं. जी टीम कैनवस इनसाइट क्या कहना चाहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए. अस्सलाम वालेकुम, वी आर टीम कैनवस इनसाइट, पर्टिकुलरली measuring in the field of computer science, especially artificial intelligence. Are you good, Ren? Anas Abdul Majid. Okay. Unfortunately, my team members couldn't be here because they're off. One is collecting data and one is working on the project. Same. I'd like to start this one off with a question. The question is to everybody present over here. How many people do you think are aware of problems in the behavioral part of their minds? The hypothalamus and the amygdala. Okay. These are two parts of the brain that are responsible for behavior and processing emotions. If I could narrow down the sample size over here, within this room, we'd find that more than 75% of the people would have some sort of problem in either part of those brains, which could lead to problems mild to severe. The pain, the problem statement is that this thing that I just said right now, the unawareness of this problematic trait within the personality and the behavior of the human mind. The result of the problem could be mild to severe, starting from maybe anger, frustration, temper tantrums, leading to more severe such as physical self-harm or physical harm to others, even fatal.
Is it a human problem, especially in Pakistan? Yes, it is, because in Pakistan, published in the Pakistan Journal of Medical Sciences, it was found that more than 97% of the interviewed women said they experienced some sort of assault in their lives. And another study published by the United Nations stated that more than 50% of married women in Pakistan have experienced some sort of sexual assault, and 90% of the women have been psychologically abused. Another study published said that about 60% of the children come from abusive households. And all of these is a cause of a problem in the behavioral part of the mind. The solution we present to you, is Canvas Insight. This is a model application which would be available in every app store, connected at the back end to hospitals collaborating with us in Pakistan, professional psychologists and everything. So how this works is basically you are asked to draw a tree, a house, and a person. It varies from what age group you belong to. So basically in this case, we have drawn a tree. They analyze the tree to find some sort of characteristics that might correspond to a problem in the behavioral part of the mind. In this case, it's the shaded crown. This corresponds, could correspond, in addition to some other features, it could correspond to depression, basically. This is a result from our own application that we evaluated using artificial intelligence tools such as Keras, a Microsoft Azure machine learning component, the SQL database, and TensorFlow objects. The difference, the uniqueness factor that we have is in terms of technology, because you are probably aware of the applications that are available in app stores today. They do not present any sort of backing to their claims, such as if they'll give you a test and they'll present you with the results, there's no hospital or doctors, professionals backing up their results. We differentiate in that factor. We're using artificial intelligence-based components that are validated by professionals practicing and researching both. The relationships exist on both ends of the communication spectrum of the app, the patients and the doctors. To the patients, we are providing a sit-at-home, easy-to-take, a fun-mannered test that will allow them to learn something about themselves and book an appointment with a psychologist mastering in that sort of problem. And towards the doctor part, it saves up a lot of their time, because one of these tests takes about 3 hours. And if people are already doing it at home and then coming for a therapy, it saves up a lot of their time. Partnerships, we're partnering with onboard psychologists and professionals for right now to make sure it's accurate and also precise. And after that, we'll be collaborating with hospitals to deploy the system. Customers right now, since this is an unreleased beta version of the app, so we're using it for testing and data collection throughout the sites such as Islamabad, Rawalpindi, Lahore, and Jampur. Hospital consultations, data collection, collaborations. Business model, is that important? Should I discuss it right now? Yes. Okay, the business model, the income source, the main income source will be our collaborations with the hospitals, because it allows us to basically deploy those systems over there, and that's how we'll be collecting income. The expansion in the source will come through the expansion in the project scope. So basically, if we're doing hospitals around Islamabad, we plan to expand it nationally first and then globally. The growth opportunity is, of course, amazing, because even if we expand it nationally first, it's an upcoming thing, and if it is validated properly and carried out properly, more developed countries will be well on board with this solution, and they want to pursue it, because everybody wants to get rid of problems. Current scope and scaling, currently we're just focusing on the one domain of the medical field. We could basically use these technologies, carry them on, and to apply them to many different aspects. Maybe a different domain of the medical field, or maybe switch territories completely, take it to computer forensics or something. Next, I'd like to talk about the team. Core team members, we're all from NUST, computer science background, with a deep interest in psychology. Our advisors are from Dr. Pakiza Akram. She did her PhD in applied machine learning from the University of Delaware.
and Dr. Ahmed Salman, who has done his PhD from the University of Manchester in machine learning, and he is now researching in computer vision. Industrial collaborators, Ms. Nayab Chaudhry, she is an onboard psychologist. She has taught us as well, and she was an ex-practitioner. So we have all sorts of experience in her. Motivation, it's a mutual passion to help others. We come from a background where and a family that has taught us to spread help and basically do whatever we can to make others misery less. A drive to achieve and make a difference. Of course, if you're in higher education now, why wouldn't you want to achieve something and make a difference? Something personal, maybe I should talk about this, maybe I shouldn't, but when I joined university bachelor's, during my first semester, I got diagnosed with a chronic condition. Soon after, because I couldn't take the stress of it, I got diagnosed with depression. Even after recovering from that depression, I still have been identifying some behavioral problems within myself, and I've been trying to get rid of them. I can't help but imagine that there are so many more people who are out there and who basically need help, and they're striving and they don't see a way out, but they can be helped. Our expectations from this Microsoft Imagine Cup is networking within the industry. We want to learn from others. We want to know how many, what kind of operations go on in that place. Learn from mentors and peers in Microsoft, because if you're in Microsoft, you must have done something to be there, and we would be really glad to learn from everyone. Present our idea, emphasize its importance, and make a difference in the world around us, because that is one. A bold claim, every individual in the world will be aware of behavioral problems and their necessity to be treated, as they are aware of the flu and its necessity to be treated, because it will become that mainstream and everybody will get rid of it. Thank you, that's all. अच्छा दो तीन I have some questions. एक तो आपकी जो पहली statement थी, you declared everybody sitting here as a patient. ठीक है लवर. So अच्छा खैर मुझे I couldn't see any flow diagram. आपका सिस्टम इट्स जस्ट ऑल अ स्टोरी ठीक है ना तो आई जस्ट कुडंट सी एनी टेक्निकल डिटेल्स अदर देन अ ट्री ठीक है जी सो व्हाट आई गॉट आउट ऑफ द होल प्रेजेंटेशन इज दैट यू जस्ट ड्रॉ अ ट्री एंड योर साइकोलॉजिस्ट विल बाय लुकिंग एट दैट कैन से दैट व्हेदर यू हैव सम कंडीशन और नॉट सो दैट इज अ टोटल थिंग व्हिच आई परसीव फ्रॉम दिस होल प्रेजेंटेशन यस the thing was, I thought this was just a pitch. I didn't know that technical details will be required, so I didn't bring. We have all the, we're 65%, 65 to 70% done with our project. The only thing is that it's deployed on a computer because it requires a lot of graphic power. आपके पास कोई उसकी screenshots, any video which you have? User interface, anything जो आपने हमें basically image दिखाया. So is that a live image of your application interface or what is it? Yes, that was a live application of the beta released application. It's a web-based application or a mobile application? It's a mobile application. Okay. And the backend is connected to a server, that an artificial intelligent agent that is deployed in a web server. Okay. The thing that basically I do have the code running and everything, but the only problem is that, again, I didn't know this was going to be a technical part. If you want any information, I can write right now, because I've personally hands-on worked on this project myself. I'm the main lead on the artificial intelligence program also. Okay. So another question. So have you talked to any hospitals, or do you have any psychologist on board with you for this idea? Like, what's their feedback? How do they see it? Yes. First of all, we went to the Benazir Bhutto Hospital. It has a psychiatry department. Mm-hmm. That's where we started off from, and that's where we noticed that this is a very severe problem. We talked to them, a lot of psychologists over there, and we specifically talked to two psychologists, Dr. Samra Salik, mm-hmm. and another psychologist, Ms. Nayab Chaudhry. Mm-hmm. And another psychologist who we initially talked to, but now she's residing in USA, so she didn't seem feasible to approach for this. Their approach, of course, when we started off, we had a lot of miscalculations, and we thought a lot of different things, which were corrected by them, and we have corrected them in our application as well. Mm-hmm. So right now we have about three psychologists on board with us, but the only main industrial collaborator is Ms. Nayab Chaudhry. Okay. So I mean, another question is, how do you see, like,
sustainability kaise hogi iski? You said that you'll be collaborating with different hospitals to generate revenue, but your end user, who is your end user? Are you, would you be charging the customer? For example, if I want to seek my mental health problems and I'm, let's say maine aapke application use ki and I figured out that oh wow, I'm also a depression patient maybe, jo results mujhe nazar aa rahe hain, so how should I go about it? Okay, what do I do? You will not be shown results. Okay, you will not be shown any sort of thing that might lead you into more depression or might maybe even harming but yourself. Wouldn't that be more alarming, like what just happened, I did something and I don't even know ke kya result nikla? You will be given some sort of feedback, but it won't be ke, oh, you have depression, because that is something very extreme and should be only handled by professionals. So what will happen is you will, the collaborating hospitals and the best psychologist that matches your case will be assigned an appointment to you. Okay. So you, it will be notified to you and the doctor, and you will be given a time and you can go see the doctor to seek help, and they will give you a full-on analysis of what just happened to you. The reason is we're doing this is because this test alone takes 3 hours. If a doctor does this for 3 hours for one patient, you can accommodate a maximum of 3 or 4 patients per day. Right. And you have presented very well. Thank you so much once again. और ये थी जनाब हमारी टीम कैनवस इनसाइड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये भी एक नया प्रोजेक्ट. और इसके बाद अपनी अगली टीम को हम दावत देते हैं, टीम MGP. इनका ताल्लुक भी नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, तो देखते हैं ये क्या लेकर आए हैं कुछ नया जजेस के सामने प्रेजेंट करने के लिए. सो वी वेलकम टीम MGP अर्ज, नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? थैंक यू सो मच. अपना इंट्रोडक्शन करवाइए अपनी टीम का भी. माय नेम इज उमैर मुख्तार, दिस इज माय ग्रुप मेंबर जैनुल इस्लाम. ठीक है, ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है MGPR. हमारे साथ 4 लोग हैं, फात तारिक, शफात, ताहिर, जैनुल इस्लाम और मैं उमैर मुख्तार. प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अब हमारे पाकिस्तान में GIS का काम हर कोई कर रहा है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो GIS का काम कर रही हैं. गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्शन में इसका बहुत यूज़ होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आपने कोई नई जगह बनानी है तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए ये यूज़ होता है GIS. लोकली डेवलप्ड कोई वेब बेस्ड क्या, डेस्कटॉप बेस्ड भी कोई नहीं है हमारा, लोकली डेवलप्ड GIS का प्लेटफॉर्म. तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उनकी एग्जाम्पल है ArcMap, Pro, Geomatica, Geomedia, WebApp, Map Extreme, और ये लोग सारे अमेरिकन बेस्ड हैं और इनकी मतलब सही अच्छे खासे रेट होते हैं डॉलर्स में. तो हमने सोचा कि हम लोग एक अपना GIS प्लेटफॉर्म बना लें. तो सबसे पहले हम ये देखें GIS प्लेटफॉर्म होता क्या है, करता क्या है. ये क्या होता है, ये करता है, इट क्रिएट्स, विजुअलाइज़ एंड मैनिपुलेट्स जियोस्पेशल डाटा. और इसके यूजेजेस क्या हैं, यूजेजेस इसके रियल इस्टेट में बहुत यूज़ है, एजुकेशन में बहुत यूज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत यूज़ है, स्ट्रेटिजिक प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है. जैसा कि आप लेट से आपके पास एक स्ट्रेटिजिक प्लानिंग है कि आपने आर्मी की चौकी लगानी है, तो आप लाइन ऑफ साइट इससे निकाल के और उस जगह पे लगाएं जहाँ पे मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट हो, ताकि आप मिनिमम बंदों से मैक्सिमम सर्वेलेंस कर सकें. हाइड्रोलॉजी में बहुत यूज़ है, डैम्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसका पहले एनालिसिस बकायदा किस जगह पर बनाना है वो इसी के ज़रिए होता है. एनवायरमेंटल साइंसिस में क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा इसका काम है. तो ये इस प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सिर्फ इतने नहीं करते और बहुत सारा काम करते हैं. लोकेशन बेस्ड सिलेक्शन, फर्ज किया हमने एक सिर्फ खुशाब में हमारे पास एक शेप फाइल है, एक नक्शा है खुशाब का डिजिटल, और हमारे पास एक रोड्स का भी नक्शा है पूरा पाकिस्तान का. हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वो वाला रोड्स सेलेक्ट करें जो खुशाब में से गुजर रहे हैं. तो ये सिलेक्शन बाय लोकेशन, सिलेक्शन बाय एट्रीब्यूट्स. फर्ज किया अब हमारे पास एक पाकिस्तान का मैप है, उसके अंदर डिजिटल मैप्स में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर हुई होती है, तो लेट्स से उसमें हमारे पास पोलियो के केसेस स्टोर हुए हैं. हमने कहना फोकस करना है उन जगहों पे जहाँ पे पोलियो की ज़्यादा सीवियर है. तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम सिर्फ वो सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं नक्शे में से जो कि जहाँ पोलियो के केसेस 50 से ज़्यादा हों या कुछ. ये एग्जांपल के लिए हमारे अपने थ्रेशोल्ड के मुताबिक हम इसको चेंज भी कर सकते होते हैं. बफर एनालिसिस, आपने एक फैक्ट्री बनाई है जिसका वो धुआँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और आप चाहते हैं कि इधर से आसपास एक इतना एरिया हम बचा के रखें, तो आप क्या करेंगे, इसके ज़रिए बफर, एक बफर का नक्शा बना लेंगे, और फिर ये उसमें क्योंकि लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती है तो आप किसी जगह पे खड़े होंगे ना, तो आप उसकी लोकेशन दे के पता कर सकते हैं कि ये उस बफर में आ रही है कि नहीं आ रही रियल लाइफ में. तो उस जगह पे आप स्कूल वगैरह जैसी चीज़ें जहाँ पे लोगों की जानों को खतरा हो सकता है वो नहीं बनाएंगे. ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, हमने वेब बेस्ड जो स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि यूज़र को क्या अलाउ करेगा, डिजिटाइज करना, क्रिएट नया मैप. आपके पास एक
तस्वीर वाला इमेज है जिसके ऊपर नक्शा बना हुआ है सारा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको मैं डिजिटल में कन्वर्ट करूँ क्योंकि अब तस्वीरों वाला दौर, तस्वीरों वाले नक्शों का दौर खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसकी इमेज खींचेंगे, तस्वीर खींचेंगे प्लेटफॉर्म में लोड करके और उसको क्लिक करते जाएंगे जहाँ पे रोड है उसके साथ क्लिक करते जाएंगे और आपका वो साथ साथ पीछे लाइन बन दी जाएगी, तो आपका नक्शा डिजिटल हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि हम फीचर्स को शेप फाइल में से एक्सट्रैक्ट, आप फर्स्ट क्या आपके शेप फाइल है जिसका बहुत ज़्यादा साइज है, आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री पे या एक पर्टिकुलर सिटी पे काम करना है, तो आप उसको वही सिलेक्शन के जरिए सिलेक्ट करें और एक्सट्रैक्ट कर लें और काम प्रोसेसिंग यूज करके आपने काम अपना हो आगे चलें। बफर एनालिसिस का मैंने बता दिया, लोकेशन बेस का बता दिया, एडिटिंग शेप फाइल में आपको नया फीचर्स और चीज़ें नहीं डाल देते हैं, क्या होगा, एक तो एंड यूज़र होगा उसको हम एक डैशबोर्ड देंगे, उस डैशबोर्ड पे वो सबसे पहले अपना डाटा अपलोड करेगा जो कि अजूर सर्वर पे जाएगा, उसके बाद वो एनालिसिस का इनपुट देगा कि अब क्या कौन सा एनालिसिस करना चाहता है, लोकेशन बाय सिलेक्शन करना चाहता है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन करना चाहता है, फिर जब वो बता देगा तो उसका प्रोसेसिंग हो जाएगी अजूर के जरिए यूज़ करके, और फिर जब ऑनलाइन प्रोसेसिंग को उसको डाटा बेस में भी स्टोर कर दिया जाएगा और उसको डैशबोर्ड में भी दिखा दिया जाएगा कि तुम्हारे प्रोसेसिंग का ये रिजल्ट है। ओके मैथडोलॉजी ठीक है, बस आप पिछली स्लाइड पे आ जाइए जरा। अच्छा चलिए मुझे एक चीज बताइए, आपका 2D या 3D है? फिलहाल 2D है लेकिन आगे जाके 3D भी कर देंगे। अगर 2D है तो फिर तो आप रियल एस्टेट के लिए नहीं यूज कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते, आपने एक जगह बनानी है तो आप एनालिसिस करते हैं, आपने साइट सिलेक्शन अगर आपने करनी है कि किस जगह, अगर साइट सिलेक्शन में हिल्स हैं तो फिर तो वो तो आपको 2D में स्ट्रेट अवे दे देगा। आप इसके साथ शेप फाइल के बैक एंड पे आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं किस जगह पे कितनी हाइट है, टेरेन का डाटा न्यूमेरिकल भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो मसला नहीं है। अच्छा दूसरा आपने कहा कि जी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं करा, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान का ये GIS सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें सर्वे और पाकिस्तान एक है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मतलब आपने रिसर्च किया GIS पे कौन कौन सी कंपनी काम कर रही हैं? जी मैं बताऊं, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में हम गए थे, वो लोग नहीं उन्होंने बनाया, वो आर्क मैप यूज कर रहे हैं और उन्होंने इवन हमें यह भी कहा था कि आप लोग हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम आर्क मैप में ही कुछ काम करना चाहते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। और कौन सी कंपनी है? और हम बहुत जगहों पे गए हैं क्योंकि हमारा काम ही GIS वाला है, तो हमने GIS में जो काम कर रहे हैं हम उधर जाते हैं। अच्छा गवर्नमेंट में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमारा अपना किस में गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री के इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आर्मी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बताया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में ऑलरेडी वो आर्क मैप पे काम कर रहे हैं, तो अगर अपना बन जाएगा तो वो इसको यूज करेंगे। मुझे ये बताइए आपके पास GIS डेटा कहाँ से आएगा? जो सर्वर आपका डेटा यूजर के पास होता है और कुछ ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल होता है, और जो नहीं आप ये कह रहे हैं जो फ्रीली अवेलेबल डेटा है उसके थ्रू आप अपने पाकिस्तान के मैप्स बना रहे होंगे? नहीं मैं बताता हूँ, अब आपके जो हैं गवर्नमेंट के इदारे हैं, फर्ज़ किया आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके पास नक्शे होते हैं, मैप ऑफ पाकिस्तान के पास नक्शे, सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास हर चीज़ के नक्शे होते हैं, तो उसको अगर वो डिजिटाइज करना चाहते तो सिंपली उन्होंने क्या करना है, उन्होंने एक इमेज अपलोड करना है, उसको डिजिटल बना के और डाउनलोड कर लेना है और उसको डाटा बेस में भी स्टोर है, कहीं भी एक्सेस कर लें। तो आपकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग स्लो नहीं हो जाएगी? आप GIS दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू माइक्रोसॉफ्ट। आपने तो सैटेलाइट शो किए हुए GIS डेटा के, अब सैटेलाइट से इमेजरी उठा रहे हैं? सैटेलाइट से इमेजरी भी लेते हैं, आपके पास मैप है, आपके पास सैटेलाइट है, आप फर्स्ट की आप खुशाब, मैं खुशाब कहूँ तो मैं खुशाब की बात जी मुझे अंदाजा, खुशाब की सैटेलाइट इमेजरी आप डाउनलोड करते हैं, आपके पास खुशाब की शेप फाइल है, आप उसमें से क्योंकि टाइल होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा एरिया होता है 900 भैया, आप उसमें ओरिएंटेशन मैपिंग ही नहीं कर सकेंगे ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज में लोकेशन बेस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, इमेज को पता होता है कि मैं किस जगह की, शेप फाइल को भी पता होता है कि मैं किस जगह की, जब आप दोनों को लोड करते हैं तो जो खुशाब वाली जगह का एरिया होगा ना उसके ऊपर वो डिजिटल मैप जाके लगेगा, आप एक्सट्रैक्ट कर लें उसमें से खुशाब को और उसके ऊपर आप कोई एनालिसिस वगैरह करना चाहता तो। अच्छा मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा GIS सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सो What's so special about your solution? उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। चलें आज ही वो आप मेथडोलॉजी को छोड़ दें। जी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। बस मुझे वैल्यू प्रोपोजिशन बता दें आपकी, क्या ऐसा स्पेशल फीचर है कि आई शुड गो फॉर यू इंस्टेड ऑफ मैच्योर सॉल्यूशंस? एक तो हमने इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट करना है सॉकेट प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, तो सर्वर होगा ना वो हर वक्त कनेक्टेड होगा, जितने लोग यूज़र लॉग इन करेंगे ना सब आपस में कनेक्टेड होंगे, फर्ज के इधर से आप एक बहुत बड़ा मैप है जिसे आपने डिजिटाइज करना है, आप अकेली तो नहीं कर सकती, तो आप ये करेंगे कि आ कहेंगे ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, वो कराची में बैठा है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, उधर से वो पॉइंट लगाएगा, दोनों तरफ वो शेयर हो जाएगा पॉइंट ऑटोमेटिकली सॉकेट प्रोग्रामिंग के जरिए,
दूसरी ये चीज़ ये है कि आगे हम, क्योंकि मैं टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट वाला चीज़ बना ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उसको इसमें आप अलिफ भी डाल देंगे इसके बीच में, उसको इसके अंदर भी डाल देंगे कि बंदा बोले. अब अगर नॉर्मल यूज़र है जैसे अब बफर और जिस तरह की मैंने बातें की हैं, नॉर्मल बंदे को नहीं पता, नॉर्मल बंदे को ये पता यार मुझे खुशाब सेलेक्ट करना है, वो कहे मैंने खुशाब सेलेक्ट करना है, हम खुद कर लेंगे. थैंक यू. Thank you very much. जी थैंक यू सो मच टीम एम जी पी अर्ज. ये थे नर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हमारी टीम, और काफ़ी इंटरेस्टिंगली इन्होंने प्रेजेंट किया और काफ़ी क्वेश्चनिंग भी हुई. इवेल्यूशन का सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह आज भी और कल भी. ये इमेजिन कप 2020 का लाइव इवेंट आप बराह रास्त देख रहे हैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो से, और इसके अलावा ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी बराह रास्त नशर किया जा रहा है. एंड दिस इमेजिन कप 2020 ये लाइव जो इवेंट है वो कवर किया जा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ हायर एजुकेशन पाकिस्तान. अभी हम बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, उसके बाद वापस आते हैं. देखते रहिए हायर एजुकेशन टीवी चैनल.